डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तार अब्बासी हूँ। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, एमक्यूएम पाकिस्तान के इन्हें 239 में बदतरीन शिकस्त, एमक्यूएम रहनुमाओं में शदीद झगड़ा, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कराची झगड़ा और हाथापाई एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के मरकजी इलेक्शन ऑफिस में इजलास के दौरान हुई। ये अहम बात है जो हम उसका तफसील आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थोड़ी सी मुख्तसरन ये दो मिनट की जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप ज़रूरी सुने। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, ख्वाजा एजार, अमीन लख के एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ाम, एक दूसरे को शिकस्त का जिम्मेदार करार देते रहे। कराची, आप बुजदल और नाकाम सरबराह साबित हुए हैं। आमिर खान की बराह रास्त खालिद मकबूल पर शदीद तनकीद। कराची, आप 1992 में बोया हुआ फल आज एमक्यूएम को भुगतना पड़ रहा है। 2011 में आपको पार्टी में वापस लेना तबाही का सबब बना है। खालिद मकबूल का तरकी पत्र की जवाब। ख्वाजा इजार पीपल पार्टी के साथ मिलकर एमक्यूएम की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। वसीम अख्तर को पार्टियों से फुर्सत नहीं। खालिद मकबूल ने रहनुमाओं को लताड़ दिया। चाहे आप जनता का बुनियाद पर मुशीर बने हैं, उनसे कहीं हमें ये सीट निकलवा कर दें। खालिद मकबूल ने सादिक इफ्तिकार को भी आड़े हाथों ले लिया। आप फैसल सब्जवारी को इजलास में बुलवा नहीं सके, यहाँ पार्टी बर्बाद हो गई और वो बेगम के साथ बोट में समंदर की सैर कर रहा है। अमीन लख को किसी ने पूछा कि दुबई में कारोबार सेट कर लिया और पार्टी की ऐसी की तैसी हो गई। ख्वाजा इजार लसन, जब कोई मुसीबत आती है पूरी जमायत मेरी शराब के पीछे पड़ जाती है, खरीद कर पीता हूँ, मांग कर नहीं। ख्वाजा इजार, किसके घर में डाका मार कर मैंने दुबई में कारोबार सेट किया है। अमीनुल हक का ख्वाजा इजार लसन को धमका देकर सवाल। ख्वाजा इजहार सोफे पर गिर गए और गुस्से से उठकर अमीनुल हक को मारने दौड़े। सादिक इफ्तिकार ने बीच बचाव कर लिया। ऐसे कंजर खाने और पार्टी पर लानत भेजता हूँ। ख्वाजा इजहार और सादिक इफ्तिकार लानत मलामत करते हुए इजलास छोड़कर चले गए। वसीम अख्तर दफ्तर के बाहर खड़े नामालूम फोन कॉल्स करते रहे। कारकुनान खालिद मकबूल के बुलाए गए इजलास का बहादुराबाद में इंतज़ार करके रह गए। ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की। थैंक यू, मेहरबानी।